दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं द बेसिक्स ऑफ ड्राफ्टिंग जिसमें हम लोग चालू करेंगे वॉट इज लेटिव ड्राफ्टिंग ऑल अबाउट से तो हम लोग देखते हैं ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग एक्चुअली होता क्या है है दो वर्ड से बना फर्स्ट लेजिसलेटिव एंड सेकेंड ड्राफ्टिंग लेजिस्लेटिंग इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड लेजिस्लेशन और लेजिस्लेशन दो चीजों को दिखाता है फर्स्ट दिखाता है रिलेशन एंड सेकेंड सब्जेक्ट मैटर रिलेशन बिटवीन क्लास ऑफ पर्सन कम्युनिटी स्टेट

और ये पॉलिसी ट्रांसफॉर्म होता है जब हम लोग उसे राइटिंग में डालते हैं तो रूल्स एंड प्रोविजंस में जो कि हम लोग देखते हैं अब बात करते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ लेजि ड्राफ्टिंग फर्स्ट कारण क्या है जिस तरीके से सोसाइटी में चेंजेस हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू सोशो इकोनॉमिकल कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की जरूरत होती है ताकि नियम कानून व्यवस्था सही तरीके से चल सके एंड इट इज मिनिस्ट्री स्पेसिफिक और आपको मालूम है उस चेंजेस के हिसाब से ही लोगों को राइट्स मिलता है कुछ लाइबिलिटीज आती है ड्यूटीज आता, आता है और पावर्स आता है इसी कारण लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की जरूरत होती है हम लोग देखते हैं बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग जो होता है वो ड्राफ्ट कौन करता है कहने के लिए हमारे पास पार्लियामेंट है लेजिस्लेचर है लेकिन वो ड्राफ्ट नहीं करते हैं ड्राफ्ट करने वाली बॉडी जो होती है दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल पॉलिसी मेकिंग किसी भी मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो सकता है जिस चीज को लेकर के ये मैटर पहुंचता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास और वहां पर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग होता है बाय स्पेशलिस्ट और वो खास करके आपको लीगल ऑफिसर्स होते हैं अब एक बार बात करते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी होते हैं वो स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट लॉयर्स होते हैं जिनके पास वास्ट एक्सपीरियंस होता है तो उनके पास नॉलेज होता है एग्जिस्टिंग स्टेट्यूट्स का एक्सटेंसिव एक्सपर्टीज होता है उस पर्टिकुलर एरिया में उसके अलावा उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि जो भी लीगल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कैसे किया जाए बिकॉज दे आर स्पेशलिस्ट एंड गवर्नमेंट लॉयर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल हमेशा मिनिस्ट्री से इंडिपेंडेंटली काम करता है और अपना ओपिनियन भी देता है मिनिस्ट्री को कि उस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के लिए क्या होना चाहिए और ये इंश्योर करते हैं कि जो भी लेजिसलेटिव ड्राफ्टिंग हो रहा है उसका स्टैंडर्ड हाई रहे ग्रेटर कंसिस्टेंसी रहे उसमें और बेटर क्वालिटी रहे इसी कारण दिए गए रिसोर्सेस का वो लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं और इंस्योर करते हैं कि जो भी उन्हें टास्क दिया गया है उसे कॉम्पिटेंटली वो लोग हैंडल करेंगे तो ये काम होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का अब हम लोग देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का रिस्पांसिबिलिटी क्या होता है कैसे वो ड्राफ्ट करते हैं इसके लिए वो लोग फाइव स्टेज में काम करते हैं फर्स्ट स्टेज होता है जो भी पॉलिसी उनसे फॉर्मुलेट किया जाने वाला है उसे पहले वो एनालाइज करते हैं एनालाइज करने के लिए पहले उसे एग्जामिन करते हैं उस पॉलिसी को और ये उस प्रपोजल को देन उसके बाद उसके बारे में समझते हैं कि ये है क्या उसके बाद वो लोग बैकग्राउंड रिसर्च करते हैं एंड देन जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसे क्लरिफाई करते हैं ताकि जब भी वो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग तो उसमें इन सब चीजों को शामिल कर सके देन उसके बाद एनालाइज करने में वो लोग कंसल्ट करते हैं उन सारे एरियाज को उन सारे पर्सन जो की इनसे अफेक्टेड होने वाले हैं या फिर जिनका इसमें रोल है उसके बाद वो लोग इस ड्राफ्टिंग का डिजाइन करते हैं उस डिजाइन में जरूरी ये होता है कि वो पहले लेजिस्लेटचर को एडवाइस देते हैं कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी ऑफ द पॉलिसी उसके हिसाब से जो भी लेजिस्लेटिव अप्रोच होता है उसके बारे में वो लोग डिसाइड करते हैं एंड देन उसके बाद वर्कआउट करते हैं उस पर्टिकुलर स्कीम पर या फिर जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वर्कआउट करना चालू करते हैं ये होता है डिजाइन में देन उसके बाद उसे कंपोज करते हैं कंपोज का मतलब ये हो गया कि अब जो उनके पास एक फ्रेमवर्क आ चुका है उसमें अब जरूरी है कि क्या स्क्रूटनी तो फर्स्ट करते हैं अपने करते है वो इस बेसिस पे की आखिर उसमें एक्यूरेसी मेंटेन है या नहीं है सर्टेनिटी है या नहीं है और कंसिस्टेंसी कहीं गड़बड़ तो नहीं है देन उसके बाद अगर उसमें कोई भी एरर है एरर रिलेटेड टू

और प्रिंट आउट में वो लोग इंश्योर करते हैं कि सारी चीजें सही है या नहीं है जब ये चीजें हो जाती है उसके बाद वो ड्राफ्ट भेजा जाता है अप्रूवल के लिए एंड देन देकेशन के लिए तो ये सारा फंक्शन होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो आप इन फाइव स्टेज के बारे में चर्चा करेंगे फर्स्ट एनालाइज सेकेंड डिजाइन थर्ड कंपोज फोर्थ स्क्रूटनी एंड फिफ्थ मैनेज अब इसमें क्या होता है ये आप जान चुके हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेजिसलेटिव एक्सप्रेशन को यदि हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहे तो इसमें कुछ क्वेश्चन होता है लाइक like क्वेश्चन ये होता है की जो भी लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट किया जा रहा है वो किसके लिए ड्राफ्ट किया जा रहा है इसका एम क्या है पर्पस क्या है क्या इसमें कोई कंस्ट्रेन है और इस एक्सप्रेशन को किस कम्युनिकेशन के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाना है क्या किसी भी तरह का प्रोहिबिशन उस एक्सप्रेशन में हो सकता है अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन कैसे यूज करें ताकि जो लेजिस्लेचर का इंटेंट है वो पब्लिक तक पहुंच सके और उसके बाद आखिर ड्राफ्टिंग के लिए क्या क्या टिप्स आजमाना चाहिए इसके बारे में आपको बात होती है तो वन बाय वन इसके बारे में हम चर्चा करते हैं सबसे पहली बात ये है कि ये लेजिस्लेटिव एक्सप्रेशन जो है वो किसके लिए है किसे एड्रेस करना है आपको मालूम है एज ए ड्राफ्टर आपकी क्लाइंट जो होती है कोई मिनिस्ट्री होती है उस मिनिस्ट्री से आपके पास प्रपोजल आता है उस पर आप ड्राफ्ट करना चालू करते हैं सेकेंड जो होता है लेजिस्लेचर होता है बिकॉज जो भी आप ड्राफ्ट करते हैं वो डिस्कशन के लिए जाता है पार्लियामेंट में या कंसर्न लेजिस्लेचर में जाता है वहां से पास होने के बाद ये एक्ट के रूप में एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाता है जिसे हम लोग पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं और तब वो लोग इसे इम्प्लीमेंट करते हैं जिसका लास्ट अगर कोई यूजर होता है दैट इज पब्लिक तो हम लोग देखते हैं कि ये लेजिस्लेटिव एक्सप्रेशन जो होता है चार लोगों के लिए होता है फर्स्ट आपके क्लाइंट मिनिस्ट्री के लिए सेकेंड लेजिस्लेचर के लिए थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एंड फोर्थ पब्लिक दैट इज द एंड यूजर या प्रिंसिपल यूजर अब देखते हैं ड्राफ्टिंग का एम क्या होता है आपको मालूम है कोई भी मिनिस्ट्री किसी स्पेसिफिक एरिया में कुछ काम करना चाहती है तो वहां पर वो लोग पॉलिसी फॉर्मुलेट करना चाहती है जिसके लिए उनके इंटेंट को जरूरी है राइटिंग में डालना तो फर्स्ट आपका होता है जो पॉलिसी मेकर है उनके इंटेंशन को आप राइटिंग में डालते हैं सेकेंड जो भी अभी पॉलिसी कंटिन्यू है और जो आप बना रहे हैं पॉलिसी प्लस जो भी उसमें जनरल क्लॉज या जनरल पॉलिसीज है उनके बीच में कोहरेन्स होना चाहिए अब देखते हैं जब आपका लेजिस्लेटिव एक्सप्रेशन होता है क्या उसमें कुछ होता है फर्स्ट इसमें जब बात आती है एक्सेप्शन और लिमिटेशन की तो क्या एक्सेप्शन होना चाहिए लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में या क्या लिमिटेशन होना चाहिए इसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए सेकेंड कोई भी लेजिस्लेशन अपने टाइम पर पास होना है तो सेकेंड कंस्ट्रेन आपके लिए होता है टाइम होता है थर्ड कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के लिए आया हुआ है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सुएश मिले हुए हैं तो आपको देखना होगा कंटीजेंसीज को तो ये आपके लिए एक कंस्ट्रेन होता है बिकॉज जरूरी नहीं है जो आज आप देख रहे हैं वही चीज ट्रू हो बट आपको इंश्योर करना है एट मोस्ट जितना हो सके आप उस चीज का केयर करें और सबसे बड़ी बात होती है क्या वो आप डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं अब आते हैं बात करते हैं लेजिसलेटिव ड्राफ्टिंग का फॉर्म कम्युनिकेशन के रूप में आप जानते हैं लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग जो भी है दैट इज एक्सप्रेशन अगर वो एक्सप्रेशन कम्युनिकेट नहीं होता है तो कहीं से भी लेजिस्लेचर का इंटेंशन पब्लिक तक पहुंच नहीं पाता है तो इसी कारण जरूरी ये है कि इसमें कम्युनिकेशंस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए तो इसी कारण कहा गया है यूज ऑफ मोर एलिब्रेटेड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जो भी एक्सप्रेशन होना चाहिए एलिब्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए कहीं भी उसमें कुछ एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए सेकेंड जो एक्सप्रेशन आपका होना चाहिए वो जनरल लैंग्वेज में होना चाहिए बिकॉज ये बातें जनरल पब्लिक तक जाने वाली है इसका नेचर एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए एम्बिगटी इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और जहां तक हो सके अगर लगता है कि एक एलिस्ट्रेशन से काम नहीं हो सकता है तो आप अपने पॉइंट को क्लियर करने के लिए दूसरा इलेजिस्ट्रेशन देंगे ताकि जो भी प्रोविजन बनाया जा रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए अब हम लोग देखते हैं लेजिस्लेटिव एंड नॉन लेजिस्लेटिव कमांड्स क्या होता है लेजिस्लेटिव कमांड तो आप जानते ही हैं कि जो भी लेजिस्लेचर के द्वारा कमांड दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी और एक्ट वो आपका लेजिस्लेटिव कमांड है अब नॉन लेजिस्लेटिव कमांड क्या होता है लाइक like, आप मेट्रो में यात्रा करते हैं और लिखा रहता है कि थूकना मना है, दो सौ लगेगा। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है दैट इज नॉन लेजिस्लेटिव कमांड तो ये क्या होता है कोई भी कॉमन प्लेस पे जो कम्युनिकेशन जो होता है इस तरीके का उसे हम लोग बोलते हैं नॉन लेजिस्लेटिव कमांड खास करके ये किसी न किसी प्रोहिबिशन को ही दिखाता है और अगर कहा जाए इट इज ए वेरी सिंप्लीफाइड समरी ऑफ स्टेचुरी प्रोविजन क्योंकि यदि आप कहीं पर थूकते हैं दो सौ रुपए का जुर्माना या एक महीने की सजा या दोनों हो सकती है अगर ये लिखा गया है तो किसी न किसी इंस्टीट्यूट में ये कवर हो रहा होगा तभी ये लिखा गया है अदरवाइज ये नहीं लिखा जाता तो इसी कारण क्या है इसमें प्रिजम्सन होता है दैट इज इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस दोनों तरह का प्रिजम्सन होता है कि यदि आप थूकते हैं तो क्या होता है यदि आप किसी भी तरह की गड़बड़ी करते हैं तो क्या होता है तो प्रिजम्सन वहाँ पर समटाइम्स इम्प्लाइड होता है और समटाइम एक्सप्रेस्ड आपका होता है और अगर देखा जाए तो ये डायटरी नेचर का होता है जो कि आपको एक तरीके से मना करता है कि आप ये काम नहीं करेंगे ये रिलाइड होता है इस चीज पर कि यदि आप उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के खिलाफ अगर आप जा रहे हैं अगर आप नॉन कम्पलाइंस कर रहे हैं उस कंडीशन में आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग हो सकता है ये था लेजिस्लेटिव एंड नॉन लेजिस्लेटिव कमांड अब हम लोग बात करते हैं प्रोहिबिशन बाय लेजि प्रोविजन प्रोहिबिशन क्या क्या हो सकता है फर्स्ट जब भी प्रोहिबिशन होगा लेटिव प्रोविजन से तो जरूरी है कि वहां पर एक प्रिसाइज टर्म्स का यूज हो और वो लिमिट्स आप बताएं ये जो भी प्रोहिबिशन होगा दैट शुड बी इन जनरल लैंग्वेज बिकॉज़ जो भी बातें पहुंचने वाली है वो जनरल पब्लिक के पास पहुंचने वाली है और आप जब भी किसी प्रोहिबिशन को मेंशन करेंगे तो जरूरी है कि वहां पर ये प्रोहिबिशन किस क्लास ये किस पर्सन के लिए हो रहा है उसके रिलेटेड जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा और सरकमस्टांसिस होगा उसे आप जरूर मेंशन करेंगे लाइक like, लाइक like आप किसी ऐसे पर्टिकुलर प्लेस में जाते हैं जहां पर 18 साल से उम्र के लोग नहीं जा सकते हैं तो वहां पर स्पेसिफाइड होता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये जगह नहीं है यह 18 साल से कम उम्र के लोग शराब नहीं खरीद सकते हैं तो ये प्रोहिबिशन जो होता है वो आपका सिंपल लैंग्वेज में होता है साथ में ये स्पेसिफाई किया जाता है कि एग्जेक्टली exactly किस क्लास Of person के लिए ये बना है। है अब जो भी दिया जा रहा जनरल बॉडी ऑफ द लेजिस्लेशन उसके कॉन्ट्रेडी प्रोहिबिशन आप नहीं दे सकते हैं और प्रोहिबिशन का मतलब है कि आप रोक रहे हैं जब आप प्रोहिबिशन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किसी चीज के लिए और अगर इस रिस्ट्रिक्शन का पालन नहीं करता है तो वहां पर मामला क्रिमिनल लॉ का बनता है तो इसी कारण जो भी आप ड्राफ्ट करे दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ यदि वहां पर किसी भी तरह का पेनल्टी या फाइन कुछ भी इम्पोज है तो ये मामला बनेगा क्रिमिनल लॉ का और उसके किसी न किसी प्रोविजन के साथ ये अलाइन करना चाहिए ये था प्रोहिबिशन अब हम लोग बात करते हैं राइट right एक्सप्रेशन के बारे में राइट right एक्सप्रेशन का सिंपल मीनिंग है कि जो भी आपका एक्सप्रेशन है दैट शुड नॉट बी एम्बिगुअस उसमें कोई भी सेकेंड मीनिंग नहीं आना चाहिए जो एक्चुअली में कहना चाह रहे हैं वही चीजें वहां संप्रेषित होनी चाहिए अब लास्ट में आते हैं इसके जो कहता है कि जब भी आप इस तरह का कोई भी ड्राफ्ट वर्क करें, उसके लिए किस किस टिप्स को अपनाया जाना चाहिए ये बहुत ही नॉर्मल जनरल चीजें हैं, जिस चीजों को आप करते भी हैं और जानते भी हैं। देखते हैं इसे फर्स्ट कहता है कि मेक श्योर यू आर वेल इक्विप्ड फॉर ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग करने से पहले जरूरी यह है कि आप देख ले कि आपके पास प्लेटी ऑफ स्पेस है आप जिस डेस्क पे काम कर रहे हैं बड़ा डेस्क है लाइट सिस्टम अच्छा है वेंटिलेशन सही है वहां पर किसी भी तरह का किसी का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए आप इसे इंश्योर कर ले सेकेंड आप देख ले कि जो आपके पास कंप्यूटर है दैट इज इन वर्किंग कंडीशन उसमें इंटरनेट एक्सेस है वर्ड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है उसमें जैसे एमएस वर्ड वगैरह उसमें इंस्टॉल है देन उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास रेफरेंस मटेरियल हैंडी है या नहीं है रेफरेंस मटेरियल का मतलब ये हो गया कि कोई भी प्रोविजन कभी भी कंस्टिट्यूशन के नहीं हो सकता है तो कंस्टिट्यूशन आपके पास होना चाहिए या कोई भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिससे कंट्रेड नहीं होना चाहिए वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए अब क्या होता है की जब भी आप कोई भी लेजिस्लेशन ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें डेफिनेशन क्लाउज डाला जाता है तो देट शुड नॉट बी कंट्रेड जनरल क्लॉज तो आपके पास इंटरप्रिटेशन क्लॉज या जनरल क्लॉज उसका कोई भी अगर एक्ट है वो आपके साथ होना चाहिए आपके पास अप टू डेट लेजिस्लेशन होना चाहिए जो उस टाइम में प्रिवेल कर रहा है कंटिन्यू है ताकि उसके कंट्री कोई प्रोविजन ना बने उसके अलावा आपके पास एक अच्छी डिक्शनरी और थिजरस होना चाहिए ताकि किसी भी टर्म्स को यदि आप डेफिनेशन क्लॉज में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो वहां के रेफरेंस में होना चाहिए एंड दैट शुड बी वेरी मच अप्रोप्रिएट ताकि उसका कोई सेकेंड मीनिंग ना निकले जो कहना चाह रहे हैं और जिस पर्पस के लिए वो पर्टिकुलर वर्ड या टर्म यूज किया जा रहा है उस टर्म के बारे में पता चल सके उसके बाद जरूरी ये है कि आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए समय किस चीज का कि पहली बात जो भी आप प्रिपेयर करें वो लास्ट मोमेंट में ना करें बल्कि पहले से करके रखे आपकी राइटिंग इसी अर्ली होनी चाहिए और जरूरी यह है कि एज एज मनी ड्राफ्ट यू कैन प्रोड्यूस उसे आपको प्रोड्यूस करना चाहिए जितनी जरूरत है या जितनों के लिए टाइम अलाउ करता है उसके बाद आपके पास इतना वक्त होना चाहिए कि लेजिशन ड्राफ्ट होने के बाद आप उसे सेकेंड दे सके कि कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी या अमेंडमेंट या किसी तरह के मोडिफिकेशन की अगर जरूरत हो तो आपके पास उसके लिए टाइम होना चाहिए उसके बाद आप जो है जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा उसे आप एनालाइज करेंगे उसके बेसिस पर आप एक आउटलाइन प्रिपेयर करेंगे देन अपने साथ नोट्स या आउटलाइन रेफरेंस के रूप में हमेशा हैंडी रखेंगे Next stage आता है है का कि आप जो है proof reading करेंगे पे, पे चाहे वो skeleton के stage पे हो, चाहे वो वो के हो, बॉडी बनाने के कंडीशन में है या फिर ड्राफ्टिंग हो ड्राफ्टिंग के बाद यदि आपके पास कोई ड्राफ्टेड कॉपी है इन सारे स्टेज पे प्रूफ रीडिंग होना जरूरी है प्रूफ रीडिंग में पहले हम लोग कहते हैं टाइपोग्राफिकल एंड सबस्टांशियल अगर एरर हो उसे हम लोग देखेंगे किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ सिंटेक्स ग्रामर वर्ड ताकि कोई सेकेंड मीनिंग ना निकल सके और जो भी प्रोविजन बनाया जा रहा है दैट शुड बी कंसिस्टेंट विद द अदर प्रोविजन तो ये चीज प्रूफ रीडिंग में आपको देखना है देन उसके बाद बात आती है वर्ड प्रोसेसिंग की बहुत सिंपल है कि इसके लिए आप एक डायरेक्टरी फाइल बनाएंगे अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे उसका एक बैकअप रखेंगे देन जो भी आप ड्राफ्ट बनाएंगे वो स्क्रीन पे नहीं पढ़ना है बल्कि उसका आप एक प्रिंट निकालेंगे क्योंकि प्रिंट निकालने के बाद उसका एक अलग इफेक्ट हो और उस पर चेक करना ज्यादा अच्छा माना जाता है आप कंप्यूटर के द्वारा ऑटो करेक्ट किए गए ग्रामर या स्पेलिंग पर रिलाई नहीं करेंगे बिकॉज अमेरिकन स्पेलिंग समटाइम्स ब्रिटिश स्पेलिंग से अलग होता है जैसे कैपिटलाइज अगर हम लोग वर्ड यूज करते हैं या सिविलाइजेशन करते हैं तो उन सब जगह कहीं जेड लेता है कहीं एस लेता है तो आप ऑटो करेक्शन पर ध्यान नहीं देंगे बल्कि वहां पर प्रिंटआउट निकालने के बाद अपने हिसाब से जो आपके एरिया में प्रिवेल करता है आपके लेजिस्लेशन में प्रिवेल करता है आप वो ही मैंशन करेंगे उसके बाद यदि कोई टेम्पलेट्स आपके पास है उस ड्राफ्ट के लिए तो आप उसका यूज करेंगे और लास्ट में आता है जो भी आपका अप्रोच होना चाहिए प्रोसीडिंग का दैट शुड बी वेरी मच सिस्टमेटिक इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई पेज है प्रोविजंस है उन सारे पेज और प्रोविजंस का पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए उसके बाद आप अगर जब सेकेंड थॉट दे रहे हैं या फिर आप अपने ही चीजों को प्रूफ रीडिंग अगर कर रहे हैं तो उस वक्त जो भी अगर कुछ नया पॉइंट आपके माइंड में आता है दैट शुड बी नोटेड डाउन और आप अपने फाइल्स को नोट्स को ड्राफ्ट को सिस्टमेटिकली रखेंगे यही चीज आपको कहता है और इस तरीके से आपका जो है टॉपिक वन समाप्त होता है अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट इज लेजिस्लेशन जिसको कोशिश करेंगे बहुत जल्द समाप्त करने का यूनिट वन का सेकंड टॉपिक है व्हाट इज लेजिस्लेशन तो लेजिस्लेशन के बारे में आप लोग जानते हैं दिस इज इज एक्चुअली रूल एंड अदर प्रोविजंस दैट मेड बाय लेजिस्लेचर ये लेजिस्लेशन होता है लेजिस्लेशन दो तरीके का होता है फर्स्ट आपका होता है प्राइमरी लेजिस्लेशन एंड सेकेंड होता है सब्सिडी लेजिस्लेशन जिस चीज के बारे में आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ऑलरेडी पढ़ा होगा प्राइमरी लेजिस्लेशन जो है वो चार तरह की बॉडी बना सकती है फर्स्ट जहां पर भी यूनिटरी स्टेट होगा वहां पार्लियामेंट बनाती है फेडरल स्टेट जहाँ पे होता है वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे की हमारे यहाँ अगर देखा जाए स्टेट

प्रोक्लेमेशन पास होगा रेगुलेशन रूल रूल्स ऑफ कोर्ट बाय लॉ नोटिस और ऑर्डर ये चीजें कंटेंस होता है अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी लेजिस्लेशन क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी लेजिस्लेशन में खास करके हम लोग बात करेंगे बिल के बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स जैसे अमेंडिंग बिल जो होता है वो किसी भी प्रोविजन को अमेंड करने के लिए होता है अप्रोप्रिएशन बिल जो होता है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर अंकुश लगाता है इसी को हम लोग सप्लाई बिल भी कहते हैं कोडिफाइंग बिल होता है कि किसी भी रूल्स को कोडिफाई या कम्प्रीहसि करेंट करने के लिए जो किया जाता है कंसोलिडेशन बिल होता है कि अगर मान लीजिए कोई है, 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 उसे गेदर करने के के लिए जो बनाया जाता जाता होता है, declaratory bill के माध्यम से कुछ uncertainties को remove किया जाता है, enabling bill, ये enable करता है, किसी अनोथराइज या अनलॉफुल एक्ट को फिनांस बिल गवर्नमेंट के फिनाशियल मैटर पे आता है लाइक like आपको टैक्स हो गया मनी बिल ये गवर्नमेंट के डे टू डे खर्चा के लिए जो होता है उसके लिए होता है मनी बिल और ये इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में गवर्नमेंट बिल किसी पॉलिसी को एफेक्ट में लाने के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है प्राइवेट मेंबर बिल्स इसे हम लोग जनरल पब्लिक मैटर के लिए यूज किया जाता है और, जर, और इसे प्राइवेट मेंबर बिल इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस बिल इज नॉट इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर बल्कि किसी अदर मेंबर के द्वारा जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो दैट इज प्राइवेट मेंबर बिल लेकिन इसमें जनरल पब्लिक इंपोर्टेंस का मैटर होता है पब्लिक बिल में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड आपका इम्पोर्टेंस का मैटर होता है जबकि अगर प्राइवेट बिल की अगर बारे में बात की जाए तो ये किसी लोकलिटी किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन रिलेटेड बिल हो सकता है इंडेमिटी बिल ये किसी पर्सन की लाइबिलिटी या ग्रुप ऑफ पर्सन की लाइबिलिटी को रिमूव करता है वेलिडेशन बिल

ये किया जा रहा है। उसके आता है देन शॉर्ट टाइटल जो बताता है कि ये किस चीज के लिए है और ये आपका सेक्शन फर्स्ट शॉर्ट टाइटल में आपका होता है देन अप्लीकेशन प्रोविजन में अप्लाई किया जाएगा देन उसके बाद आपको समटाइम ड्यूरेशन दिया रहता है जो कि जनरली परमानेंट और परपेचुअल होता है एक्सेप्शनल केस में टेम्परिरी प्रोविजन दिया रहता है कि ये प्रोविजंस इस टाइम तक के लिए ही है इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। उसका रोड रोड मैप मैप होता होता है। है में आपका ये होता है कि किस तरीके से एक्ट में आपको जाना है और देखना है उसके बाद चालू होता है सेक्शन नोट सेक्शन नोट को हम लोग एडिटोरियल एड के रूप में देखते हैं समटाइम्स इसे ही हम लोग शोल्डर नोट भी बोलते हैं मार्जिन नोट भी बोलते हैं साइड नोट भी बोलते हैं जब हम लोग किसी बेरेक्ट को देखेंगे तो उसमें वन वन बाय देखते चलेंगे इन चीजों को उसके बारी आती है सेक्शन की जो आपको मालूम है कि सेक्शन होता है बट इससे पहले आपको क्या होता है डेफिनेशन क्लॉज होता है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन देन आपको चालू होता है सेक्शन सेक्शन में जो है उसके बाद सब सेक्शन होता है देन उसके बाद पैराग्राफ होता है जिसे कहीं कहीं क्लॉज और सब क्लॉज भी कहा जाता है उसके अलावा इंटरप्रिटेशन प्रोविजन दिया रहता है और लास्ट में होता है शेड्यूल एंड एनेक्स जिसको हम भी बोलते हैं तो ये था एक्ट का अब देखते हैं एक बार बिल का बिल में आपको हमेशा बिल नंबर रहेगा मोडिफाइड लॉन्ग टाइटल रहेगा

के साथ जब प्रैक्टिकली देखा जाएगा तब आप इसे बेहतर समझ जाएंगे बट अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखें कि इसका क्या क्या कंपोनेंट है ताकि अगर एग्जाम में आता है तो आप इन कंपोनेंट्स को लिख सके और जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप खुद ब खुद उस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यह है क्या अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आज के डेट में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जिस तरीके से हम लोग ड्राफ्ट करते हैं उसके पीछे रीजन क्या है उसके पीछे की रीजन को जानने के लिए थोड़ा पहले हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलेंगे और लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की शुरुआत होती है फिफ्टीन सेंचुरी इंग्लैंड में जहां पर कि जजेस और कॉन्वायस के द्वारा ड्राफ्ट किया जा रहा था और इनके द्वारा ड्राफ्ट किए गए लैंग्वेज का स्टाइल बहुत डिफरेंट था और ये फर्स्ट टाइम था जबकि वर्डली एंड लिंग्विस्टिक स्टाइल का इन लोगों ने यूज करना चालू किया सेवेंटी सेंचुरी आते आते वर्डली और लिंग्विस्टिक स्टाइल को बहुत ज्यादा जोड़ दिया गया और उसके बाद होता यह है कि किंग और पार्लियामेंट के बीच में स्ट्रगल चालू होता है जिस चीज को लेकर के स्टेचुरी लैंग्वेज के जल्दी को कट डाउन कर दिया जाता है फिर बात आती है नाइनटीन सेंचुरी से पहले तक में क्या होता है यहाँ पर सेवनटीन से नाइनटीन सेंचुरी के बीच में तब ये है की उस वक्त जजेज और कन्वाइज ये लेजिस्लेशन ड्राफ्ट कर रहे थे जिसके वजह से वो आम जनता के लिए आसान नहीं था पड़ता तो इसी कारण कहा गया जो इंस्टीट्यूट जो था अन इंटेलिजेबल था इसका अरेंजमेंट बहुत ही पुअर था इसका स्ट्रक्चर पुअर था इसमें बहुत सारा जो है आपका एलिब्रेटरी फॉर्म में आपका एक्सप्रेशन मौजूद तो था लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंड था और लोगों के लिए हेल्पफुल बिल्कुल नहीं था इसका लैंग्वेज बहुत ज्यादा था इसका लैंग्वेज बहुत था, था और लिगलिस्टिक लैंग्वेज के रूप में, तो में पदार्पण होता है चार महानुभवों का जॉर्ज कूड का सर हेनरी थिंग्स का सर मकैनजी का और सर कॉटनी का जिसमें सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो कूड का आता है क्योंकि कूड के नियम को ही आगे चल करके आज के भी डेट में देखा जा सकता है तो कूट ने इस पे काफी काम किया कुछ जो है थियोरिटिकल अंडरपिनिंग चालू हुआ इनके टाइम में जिसके वजह से इन्होंने कुछ जोर दिया और जोर ये था कि जो भी एक्सप्रेशन होना चाहिए दैट शुड बी वेरी मच सिंपल और डिस्क्रिटनेस उसमें होना चाहिए सेंटेंस लॉजिकल होना चाहिए क्रॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए और डिफरेंट पर्सन और डिफरेंट इवेंट के हिसाब से सेपरेट लीगल सेंटेंसेस होना चाहिए अगर अलग अलग एक्शन एक ही व्यक्ति के द्वारा एक सीरीज में किया जाता है तो उस कंडीशन में सिंगल सेंटेंस का यूज होना चाहिए आर्टिफिशियल एंड आर्बिटरी डेफिनेशन को

कि एक ही के 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 लिए different synonyms किया जाए। अब देखते हैं foundation of drafting के बारे बारे में में और इसमें खासर के के बारे में चर्चा किया जाएगा कूड का चार अप्रोच था फर्स्ट एम ऑफ लेन जिसमें अब इस बेनिफिट को सिक्योर करने के लिए टू है। फर्स्ट अप्रोप्रियट राइट प्रोवाइड किया जाए एंड सेकेंड इम्पोज किया जाए अब्लिकेशन और लाइबिलिटी और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें कि अल्टरनेटिव मिल सके फंक्शन ऑफ सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रिस्क्राइब लिमिट हो राइट right को लेकर के प्रिवलेजेस पावर ड्यूटी एंड लाइविटीज को लेकर के साथ ही साथ इसमें designated circumstances के बारे में भी, भी ब्यौरा होना चाहिए अब देखते हैं हम लोग कूड के कम्पोनेट्स का जिसका आज के डेट में यूज होता है लेजिस्लेटिव सेंटेंस के रूप में तो कूड्स का ये मानना था जो भी लेजिस्लेटिव सेंटेंस होता है उसका मेनली दो कम्पोनेट होता है फर्स्ट कम्पोनेंट इज कोर एंड सेकेंड कम्पोनेंट

और लीगल एक्शन होगा वो यूनिवर्सल रूल कहलाएगा अब लीगल एक्शन में जो वर्ड्स यूज किया है दैट इज मे मे नॉट मस्ट मस्ट नॉट लाइक एग्जाम्पल इसका है अ मस्ट नॉट तो जैसे ही अगर ये सेंटेंस बोला गया तो अ पुलिस मैन जो है वो आपका लीगल सब्जेक्ट है जबकि मस्ट नॉट ये आपका लीगल एक्शन हो गया जिसके साथ आपको कुछ वर्ब जुड़ा होगा तो जैसे ही ये सेंटेंस कहा जाता है अ मस्ट नॉट डू समथिंग जो भी एक्शन हो तो इस सेंटेंस से यूनिवर्सल रूल का पता चलता है इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है और ना ही इसमें कोई कंडीशन लगा हुआ है तो इसी कारण कहा गया कि वैसा सेंटेंस जो कोर्ट

और कंडीशन होता है इफ और अनलेस करके ये जब भी चालू होगा इनिशियल फॉर्म आपका होगा वेयर से चालू होगा और कंडीशन जब भी लगेगा तो इफ या अनलेस करके आपको लगेगा ऐसे करके बहुत सारा सेंटेंस हमारे पास है जो हम लोगों ने अब तक में देखा होगा। जैसे एक सेंटेंस है, वेयर रिप्यूटेड पर्सन हैज रिपोर्टेड टू द ऑफिसर दैट अ पर्सन है ऑफिसर में अरेस्ट तो अब इस पूरे सेंटेंस में जब चालू होता है वेन तो ये वेन जो है बता रहा है आपके

ऑपरेटर प्रोवाइडर विदनेशन फॉर इट्स प्रेजेंस इन दार्क तो यहाँ सेंटेंस चालू होता है कहा मोटर वेहिकल इज इीगली पार्क तो वेन आपका हो गया सर्कमस्टांसिस कंडीशन एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर में तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर आपका हो गया सब्जेक्ट में लीगल एक्शन रिक्वेस्ट द ऑपरेटर ऑफ वेहीकल टू रिमूव दंडीशन द ऑपरेटर प्रोवाइड द ऑफिसर विदीजनेबल एक्सप्लेशन फॉर इट्स प्रजेंट्स इन द पार्क तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा की कि किसी एक सेंटेंस में किस तरीके से कोर और ऑप्शनल दोनों यूज होता है लीगल सब्जेक्ट और लीगल एक्शन जब किसी सेंटेंस में केवल यही दो यूज हो रहा हो तो उसे यूनिवर्सल रूल बोलते हैं जबकि जब कोर जब और ऑप्शनल दोनों मिलाकर के यूज होता है तो वो जनरल रूल हो जाता है जिसमें कि आपका सर्टेन एक्शन आपको रहता है कहा गया है गाइडलाइन सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो हमेशा एक लीगल पर्सन होना चाहिए सेकेंड ये लीगल पर्सन जो है वो ग्रामीटिकल सब्जेक्ट होना चाहिए तो जो भी लीगल पर्सन उसमें होगा देट शुड भी ग्रामीटिकल सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा लीगल पर्सन होगा अब कहता है लीगल सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में केवल एक लीगल सब्जेक्ट होगा उससे ज्यादा नहीं सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन द प्रिमिनेट पोजीशन, क्योंकि सब्जेक्ट का पोजीशन किसी भी सेंटेंस में हमेशा आगे होता है उसके बाद कुछ होता है तो इसी कारण कहा गया है सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन द प्रीडोमिनेंट पोजीशन अगर प्रीडोमिनेंट पोजीशन में नहीं है तो आपका सेंटेंस अप्रोप्रिएट नहीं है देन कहता है सब्जेक्ट शुड नॉट बी ऑब्सक्योर ठीक है अब बात करते हैं लीगल एक्शन का पोजीशन क्या होना चाहिए तो लीगल एक्शन के बारे में कहता है एक्शन शुड बी सर्टेन स्पेसिफिक ऑक्सिलरी वर्ब और ये है जैसे मे मे नॉट मस्ट मस्ट नॉट और जो भी इसमें वर्ब यूज होगा दैट शुड बी इन एक्टिव वॉइस केस के बारे में बात करते हैं एज पर केस ये कहता है दैट शुड टेक द इनिशियल पोजिशन जैसे हम ये आपका इनिशियल पोजिशन लिया तो सब जब भी केस आएगा तो उसमें वो लेगा इनिशियल पोजिशन लेगा दूसरी बात वो प्रेजेंट टेंस में होगा और अगर रिक्वायर्ड होगा तो ही जाकर के वो पास्ट टेंस में हो सकता है और ये जब भी यूज आपको होगा इट शुड बिगे अप्रोप्रियट इंट्रोडक्ट्री टर्म लाइक वेन मोटर वेहकिल अब बात करते हैं कंडीशन का तो कहता है इट शुड बी अंडीशन प्रेसिडेंट से कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होता है ये बात आप लोग जानते ही है नेक्स्ट इट शुड प्लेस टू वर्ड बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस जैसे जो अगला सेंटेंस चालू होता है उसमें चालू होता है इस तरीके से अनलेस तो unless जो आपका यूज किया गया है ये towards द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस है कहता है इट शुड बी ऑलवेज स्पीकिंग इन tense जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं सेट आउट इन लॉजिकल ऑर्डर अब ये नहीं है अब ऐसा नहीं है बिगनिंग में डालने के चक्कर में आप लॉजिकल ऑर्डर खो दे लॉजिकल ऑर्डर आपको मेंटेन करना है शुड बिगिन विद अप्रोप्रियट इंट्रोडक्टरी वर्ड द सेम थिंग जैसा कि हमारे पास केस के लिए है केस और कंडीशन दोनों में ही अप्रोप्रियट इंट्रोडक्टरी वर्ड का यूज किया जाएगा उससे ही बिगन आपका होगा अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कूड अप्रोच तो हम लोग जानते हैं कि इसका यूज आज के डेट में हो रहा है अब मेनली हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल प्रिंसिपल्टिस्टिकॉर्म ऑफ ड्राफ्टिंग जो की कूड के तरफ से आया है हमारे पास उसमें क्या है बहुत सिंपल है कि इसमें आपका पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स जो होता है वो इम्प्लिसिट होता है सेकेंड फ्यूअर सेंटेंस में आप जनरल प्रिंसिपल को कह देते हैं थर्ड स्पेसिफिक एंड डिटेल रूल होता है फोर्थ इसमें ऑफ मैटर होता है ड्राफ्टिंग डिवाइस होता है टेक्निकल लेजिस्लेटिव रूल्स होता है देन इसमें रिलेशनशिप बताया जाता है जितने भी प्रोविजन दिए हुए हैं उनके बीच में रिलेशन क्या है उनको उसके हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है और ऑब्वियसली लीगलिस्टिक लैंग्वेज का यूज किया जाता है अब इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज ड्राफ्टिंग ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एंड हिसाब से चीजें मीट करनी चाहिए. Second, आपको ये देखते हैं हम लोग इसके को करने के के लिए, Because जो भी लेश हो रहा है तो से पहले देखने की कोशिश की जाती है कि अगर एक यूजर किसी भी ड्राफ्ट को देखता है किसी भी लेश को देखता है तो उससे एक्चुअली वो क्या जानना चाहता है क्या उसके लिए वो इजिली रीडेबल और अंडरस्टैंड करने लायक है या नहीं है क्या उसमें कुछ ऑब्सक्योर चीजें तो नहीं है प्लेसेस जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट तो नहीं है जितनी भी नेसेसरी पॉइंट्स डील करनी चाहिए क्या वो लेजिस्लेशन में डील किया गया है या नहीं किया गया है, क्या बातों को देखा जाता है यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूजर्स के इन एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में सेवन सीज को इनकॉर्पोरेट किया गया है और ये क्या क्या है अप्लाइड विध जो उस वक्त नॉर्म्स हुआ है उस वक्त जो भी प्रिवेलिंग लॉ चल रहा है उसके हिसाब से एंड दैट शुड भी वेरी मच सर्टेन की जो कहा जा रहा है जो लिखा जा रहा है उसका मतलब वही है और उसमें किसी भी तरह की कोई एम्बिगिटी या सेकेंड मीनिंग नहीं निकल रहा है तो वो आपका बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए स्पेसिफिक आपका होना चाहिए अब देखते हैं इन सेवन सीज को अचीव करने का उपाय क्या है इसके लिए भी सेवन उपाय है फर्स्ट आपको प्लान एनालाइज करना होगा अब प्लान अनलाइज करने का मतलब क्या है कि जब भी मिनिस्ट्री की तरफ से आपको एक आउटलाइन दिया गया है तो उसका पहले आप फैक्चुअल बैकग्राउंड जानेंगे दूसरी बात आप उस पॉलिसी को समझने की कोशिश करेंगे थर्ड क्या आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उस पॉलिसी के रिगार्डिंग उसे आप देखेंगे देन उस पर्टिकुलर पॉलिसी में क्या क्या सब्जेक्ट मैटर कवर किया जाना चाहिए उसे कंसिडर करेंगे और उसके बाद जाकर के किस तरीके से ड्राफ्ट बनना है उसका एक आउटलाइन तैयार करेंगे ये होता है एंड प्लान सेकेंड आपका होता है प्रोवाइड अ रैशनल स्ट्रक्चर तो सिंपल सा चीज है रैशनल स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि इसमें की फीचर्स होना चाहिए जो भी आप बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट प्रोविजन और सेकेंड प्रोविजन के बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए और जो भी प्रोविजन दिया गया है दैट शुड बी इन रैशनल सिक्वेंस तब जाकर के ये होता है रैशनल स्ट्रक्चर अब देखते हैं थर्ड कहता है दैट इज फॉलोइंग ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स जो है उसे आपको फॉलो करना होगा जो प्रिस्क्राइब किया गया है और ये प्रिस्क्राइब करने का मतलब ये है कि आप जिस जगह पर हैं उस जगह पे कौन सा स्टैंडर्ड चल रहा है आप उसके हिसाब से ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे फोर्थ कहता है यूज एन इफेक्टिव राइटिंग स्टाइल और इफेक्टिंग राइटिंग स्टाइल का मतलब ये चीज हुआ कि आप जो भी लिख रहे हैं टेक्स्ट में दैट शुड बी रीडेबल उसमें स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल इंग्लिश का यूज होना चाहिए जो भी आप उसमें आइडिया दे रहे हैं वो कम्युनिकेट होना चाहिए बिल्कुल क्लियरली डायरेक्टली एंड कंसाइजली उसमें किसी भी तरह का या अर्कायक लैंग्वेज का यूज नहीं होना चाहिए और कभी भी इतना भारी भरकम सेंटेंस का यूज नहीं करना है जो कि ओवरलोडेड लगे और कॉम्प्लिकेटेड लगे तो ये आपका होता है यूज ऑफ यूज एन एफेक्टिव राइटिंग स्किल अब इसके बाद क्या हो? होता है। है, जो उपाय आपके पास है, that is, choose good presentation. Choose good presentation का मतलब ये हुआ कि उसके बीच में proper spacing होना चाहिए, 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 चाहिए हाँ बिल्कुल सही है जहाँ जरूरत हो मैप्स की वहाँ पे आप मैप्स डाल सकते हैं जहाँ डायग्राम की जरूरत है वहां आप डायग्राम डाल सकते हैं ये होता है गुड प्रेजेंटेशन सिक्स होता है प्रोवाइड एड टू फाइंडिंग एंड यूजिंग इसका मतलब ये चीज हुआ कि आप उसमें जो है लोग सही तरीके से उसे पढ़ पाए और समझ पाए इसके लिए आप उसमें सेक्शन नोट्स दे सकते हैं किसी भी तरह का हेल्पफुल हेडिंग दे सकते हैं कुछ रोड मैप्स दे सकते हैं कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स दे सकते हैं फूड नोट मार्जिनल नोट्स ये सारी चीज आप प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा किया है सेवेंथ होता है चेक एंड स्क्रूटनाइज चेक क्या करना है क्या करना है? चेक करना है कि जो आपने लिखा है कहीं बहुत लंबा सेंटेंस तो नहीं हो गया है बिकॉज लंबा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो सकता है सो इट्स बेटर टू ब्रेक इट इन स्मॉल सेंटेंसेस जो भी सेंटेंस का फॉर्मेट होना चाहिए दैट शुड बी अप्रोप्रिएट ताकि जो पढ़ने वाला है वो क्विकली उस बात को समझ पाए अगर उसमें किसी भी तरह का अननेसेसरी डिटेल्स है दैट शुड बी रिड्यूस्ड किसी भी तरह का सुपरफ्लक्स वर्ड का यूज किया गया है उसे हटा देना चाहिए अगर कहीं पे कोई लंबा एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आपको ट्राई करना है कि उसके बजाय छोटा एक्सप्रेशन देना है तो ये सारी बातें हैं सेवन बेसिक ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस के बारे में आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आप लोग लोग को अब इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रिपरेशन ऑफ स्कीम कैसे प्रिपरेशन उसका होता है दोस्तों ये वीडियो वैसे ही काफी लंबा हो चुका है अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ लेटिव स्कीम बेसिक टेक्निक ऑफ टेक्निकटिव ड्राफ्टिंग और साथ में हम लोग इसके प्रैक्टिकल अप्रोच पे पहुंचेंगे कि किस तरीके से किसी स्कीम को ड्राफ्ट किया जाएगा उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हैव नाइस टाइम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें थैंक यू